अंधे कत्ल का पर्दाफाश। तराना में मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला, नाबालिग ने पत्थरों से कुचलकर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। करीब एक महीने पहले तराना में एक मंदिर के पुजारी की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में हत्या के आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। घटना एक महीने पहले 5 मई की है। तराना तहसील के बगोदा रोड के पास हनुमान टेकरी पर एक पंडित की रक्तरंजित लाश पड़ी थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश गुरिया और एसडीओपी रविंद्र बोयट की अगुवाई में थाना प्रभारी अशोक शर्मा और साइबर सेल प्रभारी राजाराम वास्कले की टीम ने जाँच की तो पता चला कि मंदिर के पुजारी की हत्या उनके संपर्क में रहने वाले नाबालिग ने की है। हत्या के बाद नाबालिग ने पंडित का मोबाइल कचरे के ढेर में फेंक दिया था। मोबाइल लोकेशन व क्षेत्र में की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के वक्त खून में सने हुए कपड़े जब्त कर लिए हैं। आरोपी के मुताबिक पुजारी उसे गलत हरकतें कर परेशान कर रहा था। विरोध करने के दौरान चोट लगने से पुजारी बेहोश हो गया था। ऐसे में उसने पत्थर से पुजारी के सर को कुचलकर हत्या कर दी थी। वीवीएस सिंगर सिटी चैनल उज्जैन। दिनांक 5 मई 2020 को तराना स्थित हनुमान टेकरी पे एक पंडित जी, जिसको गुरु जी के नाम से पुकारा जाता था, उनकी हत्या की गई थी। और चूंकि ये अंधा कत्ल था और कोई भी आरोपी और किसी तरह का कोई सुराग नहीं था, तो कंटिन्यू उस पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और बहुत ही बारीकी से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि हनुमान टेकरी पर जहाँ पर मृतक बैठे थे, उनके साथ में वहाँ पर एक अपचारी बालक जो कि उनको पहले से जानता था, उनकी दोनों की पिछले 6-8 महीने से दोस्ती थी, वो दोनों वहाँ पर बैठे थे और मोबाइल वोबाइल में कुछ फ़ोटो या वीडियो देखने की बात थी। और तात्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ पर ये अपचारी बालक को ऐसा लगा कि वो गुरु जी इनके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करेंगे। इतनी घटना के होते देखकर औपचारी बालक ने गुस्से में आकर के पहले तो हाथ से उन पर वार किया, जिससे कि वो एकदम से गिर पड़े, जिससे उनके सिर में चोट आई। और तत्काल ही औपचारी बालक ने वहाँ पर पड़े हुए पत्थर से उठा करके उनके सिर पर 2-3 वार करे, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। और उनका मोबाइल लेकर के ये भाग आया और झाड़ियों में फेंक गया, जहाँ से पुलिस ने ये मोबाइल बरामद कर लिया है। कुल मिलाकर के आज पुलिस को इस मामले में पूरा खुलासा करते हुए सफलता प्राप्त हुई है। अपचारी बालक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और पूरी गहन तरीके से पूछताछ करने पर ये पूरे मामले का खुलासा किया गया है।